हालिया दौर में की गई तहकीक से अंदाजा लगाया गया है, बालिग भेड़िए के दांतों की तादाद 42 होती है। भेड़िए की ताकत सबसे ज्यादा गर्दन में होती है। इनके पांव 4 इंच चौड़े और 5 इंच लंबे होते हैं। इनकी बनावट बत्तख के पांव जैसी होती है, जिसकी वजह से वो बेहतरीन तैराक भी माने जाते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 16 साल तक होती है। इनकी पसंदीदा खुराक सुमदार जानवर है, जिनमें हिरन, अरना भैंसा, मुशक बेल और बर्फानी हिरन शामिल है। इनके चलने की औसतन रफ्तार 5 मील फी घंटा है, जबकि भागने की रफ्तार 36 से 38 मील फी घंटा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भेड़िये आम तौर पर ग्रुपों की शक्ल में रहते हैं। एक ग्रुप में एक ही खानदान के भेड़िये होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 भेड़िये हो सकते हैं। ग्रो के सरबरा नर को साइंसी इस्तिलाह में अल्फा नर और मादा को अल्फा मादा कहा जाता है। भेड़ियों के कुछ ग्रोहों में सेकंड कमांड भेड़िये भी होते हैं, जिन्हें बीटा वुल्फ कहा जाता है। ये अल्फा वुल्फ की गैर मौजूदगी में उनके बच्चों यानी अपने बहन भाइयों का बिल्कुल हकीकी माँ बाप की तरह ख्याल रखते हैं। भेड़िये बहुत सी वजूहात के तहत चिल्लाते हैं, मसलन एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए, किसी ग्रुप मेंबर की मौत का मातम करने के लिए, शिकार पर जाते हुए या खो जाने की सूरत में अपने ग्रुप मेंबर्स की मदद तलब करने के लिए, जो जवाबी तौर पर चिल्ला के घर के रास्ते की जानिब उसकी रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा ये किसी इलाके पर कब्जे का ऐलान करने के लिए या किसी ताजा शिकार किए हुए जानवर की हिफाजत के लिए भी चिल्लाते हैं। मुख्तलिफ मौके पर इनकी आवाज का उतार चढ़ाव और अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर भेड़िए शाम के झटपटे के वक्त ज्यादा चिल्लाते हैं। अगर मुकम्मल खामोशी हो तो इनकी चीख 16 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। हर ग्रोह के इलाके का तायुन बू और चीखने से किया जाता है और इलाके में नए हमला आवरों के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की जाती है। छोटे भेड़ियों को पिल्ले कहा जाता है। इनके पिल्ले मौसम बहार में पैदा होते हैं और वो अपनी माँ के साथ तकरीबन 4 हफ्तों तक रहते हैं। मादा एक ही वक्त में 5 या 6 पिल्लों को जन्म दे सकती है। भेड़िए के मुतल्लिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि भेड़िया एक आंख से सोता है। जब इसकी एक आंख नींद पूरी कर लेती है तो भेड़िया दूसरी आंख से सोता है। जख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से छुप कर रहता है, वरना दूसरे भेड़िए उसे मार कर खा जाते हैं। अगर भेड़िए का रेवड़ किसी इंसान पर हमला आवर हो जाए और इंसान उसे ऐसा जख्मी कर दे कि उसका खून निकाल दे, तो बाकी भेड़िए इंसान को छोड़कर जख्मी भेड़िए को खाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भेड़िया वाहिद जानवर है जो इतनी ताकत रखता है कि उसकी आंखें किसी जिन तक की शनाख्त कर लेती हैं, और फिर भेड़िया उस जिन पर हमला करके उसे मौत के घाट भी उतार सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भेड़िया मुर्दार नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह का तर्ज अमल है। भेड़िया अपनी महरम मादाओं पर नजर भी नहीं डालता और इस मामले में यह बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी यह अफजाइश नस्ल के लिए कभी भी अपनी मां या बहन का जोड़ीदार के तौर पर इंतखाब नहीं करता। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मादा से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह मादा भी भेड़िए के साथ वफादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है, क्योंकि इसके मां और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर मादा मर जाए तो नर और नर मर जाए तो मादा अपने साथी की मौत के मकाम पर 3 माह तक खड़े होकर मातम करते हैं। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहा जाता है, क्योंकि जब इसके वालदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये इनके लिए शिकार करता है और इनका पूरा पूरा ख्याल रखता है। किसी आजाद भेड़िए को पकड़कर कैद कर दिया जाए तो ये खाना पीना बंद कर देता है, और अगर इसे आजादी ना मिले तो ये भूख प्यास से जान दे देता है। इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसा खूनखार बनने से भेड़िए जैसा नस्ली और गैरतमंद होना बेहतर है। भेड़िया तुर्कों और मंगोलों का कौमी जानवर है। इंसानों और भेड़ियों में मुश्तरक बात यह है कि ये अपने लिए मुखलिस और काबिल लीडर मुंतखब करते हैं। भेड़ियों के इंसानों के अलावा कुछ कुदरती दुश्मन होते हैं। ये जंगल में 13 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस उम्र से पहले ही मर जाते हैं। दुनिया के बेशतर इलाकों में भेड़ियों की मौत का सबसे बड़ा सबब इंसान है। वो इलाके जहां भेड़ियों की तादाद इंसानी आबादी से ज्यादा हो, वहां भेड़िए भूख से या दूसरे भेड़ियों के हाथों मारे जाते हैं। जंगली भेड़िए इंसानों से डरते हैं और आम तौर पर लोगों के करीब होने की बजाय भाग जाते हैं। ये छोटे बच्चों और पालतू जानवरों का शिकार कर सकते हैं।
भेड़िये रोजाना 6 से 7 किलो तक गोश्त खा सकते हैं। भूखा रहने की बात की जाए तो ये 12 दिन तक भूखे रह सकते हैं। ऐसे में अगर इन्हें शिकार मिल जाए तो वो निगल लेते हैं और कुछ कछार में जाकर अपने बच्चों के आगे उगल देते हैं ताकि वो भी अपना पेट भर सके। ये गोश्त खोर जानवर खाने का कोई मौका भी जाया नहीं करता। हत्ता कि ये दूसरे ग्रुपों के भेड़ियों को जो लड़ाई में जख्मी हो जाएं या किसी शिकारी के फंदे में फंसे हुए बेबस भेड़ियों को भी खा लेते हैं। शदीद ठंड के मौसम में जब कोई शिकार नहीं मिलता और इन पर फाकों की नौबत आती है तो भेड़ियों का ग्रुप एक दायरे की शक्ल में बैठता है और ये तमाम एक दूसरे पर गहरी नजर रखे होते हैं। काफी देर तक इसी तरह बैठे एक दूसरे को घूरते रहते हैं। जो ही किसी बूढ़े कमजोर बीमार या जख्मी भेड़िए पर ठंड और थकावट के बायस गशी तारी होने लगती है तो बाकी तमाम भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। भेड़िए की सुनने की ताकत कमाल की होती है। ये 6 मील दूर से आने वाली आवाज को सुन सकता है। इसकी सूंघने की ताकत हैरान कुन है। ये 1 मील दूर से अपने शिकार की बू सूंघ लेता है। भेड़िया बड़ा असूल प्रस्त जानवर है। छोटी उम्र का भेड़िया बड़ी उम्र के भेड़िए के सामने खड़ा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो उसे इसकी सजा दी जाती है। भेड़िया कामयाब शिकारी माना जाता है। कैनेडियन वुल्फ को सबसे बड़ा भेड़िया माना जाता है। इसकी लंबाई 2.13 मीटर तक होती है। इनके आजा मजबूत और फेफड़े बड़े होते हैं। कुत्ते बर्दाश्त बहुत होती है। मैदा बड़ी से बड़ी हड्डी हजम करने की सलाहियत रखता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए।